बलौदा बाजार आगजनी मामले में लगातार आरोपियों को पुलिस पकड़ने का काम कर रही है। इस उग्र प्रदर्शन में अब तक 148 लोगों की हुई गिरफ्तारी हो चुकी है और 148 के गिरफ्तारी में 147 आरोपी सतनामी समाज के लोग हैं, जिसमें भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार आंगड़े का नाम भी शामिल है। वहीं एक अन्य NSUI के विधानसभा अध्यक्ष सूर्यकांत वर्मा की भी गिरफ्तारी हुई है। इधर राजनीतिक पंडितों की माने तो पूरा आगजनी मामला सुनियोजित था, जिस पर लगातार सियासी विवाद अब भी जारी है। गौरतलब है कि 10 जून को सतनामी समाज ने धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद कुछ उग्र लोगों के द्वारा कलेक्टर और SP कार्यालय सहित परिसर में खड़े वाहनों को आग लगा दी गई, जिसमें सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ है। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे संवाददाता जयप्रकाश साहू से। जयप्रकाश, आगजनी मामले में 148 की गिरफ्तारी में 147 आरोपी सतनामी समाज के लोग हैं, जिसमें भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जांगड़े का नाम भी शामिल है, क्या कहेंगे? जी सिमरन, आपको बता दूं, 10 जून को जो सतनामी समाज के द्वारा हिंसात्मक आगजनी घटना को अंजाम दिया गया, देते हुए कलेक्ट्रेट SP कार्यालय सहित लगभग 200 से भी ज्यादा चार पहियों और मोटरसाइकिल गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था जी। अभी तक पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ में ऐसा पहला घटना घटा है जिसमें पूरे देश को छत्तीसगढ़ की पहचान को शांति हिला के रख दिया है। अभी तक छत्तीसगढ़ को की पहचान शांति सुकून के नाम से जाना जाता था, लेकिन 10 जून को जो हुई थी हिंसात्मक घटना को याद कर लोगों की रूह तक कांप जाती है। आपको बता दें, अब तक आगजनी में घटना को अंजाम देने वालों में 148 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 147 आरोपी तो सतनामी समाज के हैं। वहीं एक अन्य समाज के वर्मा समुदाय के हैं, जो NSUI के विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके भी सूर्यकांत वर्मा की उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। और बड़े चेहरे की बात करें तो संविधान की बात करने वाले भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जांगड़े सहित ग्राम पंचायत कार्य के सरपंच पति की भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। सिमरन, आपको बता दूं, शुरू से मिली जानकारी के आगजनी में शामिल सरकारी घटनाओं को अंजाम देने वाले में सरकारी कुछ अफसर भी हैं और कुछ कर्मचारी भी हैं जो अब तक फरार हैं। वहीं राजनीतिक संरक्षण की बात करें तो बीते विधानसभा चुनाव में जो उम्मीदवार थे शैलेश नितिन त्रिवेदी, उन्होंने NSUI के विधानसभा अध्यक्ष वर्मा की संरक्षण कहें या उनकी चाटुकारिता कर कहें, उनको साफ निर्दोष साबित किया गया। जबकि जो पुलिस SP ऑफिस में के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार और जो NSUI के सूर्यकांत वर्मा थे, जो तोड़फोड़ में स्पष्ट रूप से देखा गया है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन शैलेश नितिन त्रिवेदी के द्वारा ये कहा जाता है कि वो निर्दोष है, पाक है, पवित्र है, कहीं ना कहीं समझ से परे है। जी सिमरत जी, जयप्रकाश, कुल 148 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो उस 148 लोगों में जो पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो उन लोगों ने क्या कुछ खुलासा किया? सिमरन, अभी आपको बता दूं, अभी तक उनको तो खुलासा की बात करें तो उन्होंने अपना स्वीकार कर लिया है, अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है, इसीलिए उनको जेल भी दाखिल कर दिया गया है। बड़ा मामला इसमें यह कहा जाए कि इस घटना को अंजाम देने में सतनामी समुदाय के लोगों को ही कर सोचा जा रहा था, लेकिन जो सूर्यकांत वर्मा NSUI के जो विधानसभा अध्यक्ष है, उनकी गिरफ्तारी के बाद ये कहा जा सकता है जो मांग थी सतनामी समुदाय के द्वारा की जो तोड़फोड़ हुआ था गिरौदपुरी के अमर गुफा में, उसकी जांच की मांग की जा रही थी, ये कहीं ना कहीं सतनामी समाज का था, लेकिन वर्मा समुदाय का इसमें इन्वॉल्वमेंट समझ से परे है। कहीं ना कहीं ये जो प्लान कहा जा सकता है, जो आगजनी की घटना को अंजाम देने की बात कहते हैं, तो ये पूरी तरह से सुनियोजित था। अभी आगे बहुत सारे खुलासे भी होने बाकी हैं, क्योंकि बात करें सरकारी कर्मचारियों की तो
सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसे सरकारी कर्मचारी भी हैं जिनकी पहचान हो चुकी है, लेकिन उनका जो है अभी तक जो फरार है उनकी जांच पतासाजी की जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि इसमें राजनीतिक संरक्षण की बात करें तो कितने ऐसे राजनीतिक संरक्षण करने वाले हैं जो इन्वॉल्व थे। जी सुंदर, तो क्या लगता है कि पुलिस पर राजनीतिक दबाव हो सकते हैं? नहीं, राजनीतिक दबाव कहें तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और वही इसी पूरे मामले को मद्देनजर रखते हुए जो भी नवीन पदस्थ किया गया पुलिस अधीक्षक के रूप में विजय अग्रवाल है और कलेक्टर दीपक सोनी है, पूर्व में जो थे कलेक्टर और एसपी दोनों को यहां से हटा दिया गया था, नियंत्रित कर दिया गया था, और मामले को सुलझाने के लिए विजय अग्रवाल और दीपक सोनी के रूप में पदस्थ किया गया है। और दबाव की बात करें तो कहीं ना कहीं ये दबाव अभी देखने को अच्छी हाल नहीं मिल रहा है। जी सुंदर जी, जयप्रकाश, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।